ओम शांति। रूहानी राहों पर चलते हुए हमें स्वयं को निर्संकल्प और निश्चिंत अवस्था तक ले चलना है। जब हम इस संसार को खेल की तरह साक्षी होकर देखते रहें, जब किसी भी चीज का इफेक्ट हमारे मन पर न हो, मनुष्य के मन में एक बड़ी नेचुरल सी भावना काम करती रहती है और वो है बदले की भावना। किसी ने हमारे प्रति कुछ किया था, हमारे मन में उससे बदले लेने की इच्छा रहती है। कहीं हम उसको गिरता देखते हैं तो खुश होते हैं, कहीं हम उसको अपमानित या उसकी ग्लानी होते देखते हैं तो हम खुश होते हैं। ये बदले की भावना प्राय सभी के अंदर पनपती रहती है और इसके कारण कभी कभी क्या होता है कि बदला न ले पाने के कारण मनुष्य के मन पर, उसके दिमाग पर एक प्रेशर बना रहता है, सूक्ष्म प्रेशर, जो उसको भारी करता है, जो उसकी खुशी छीन लेता है, जो उसे हल्का नहीं रहने देता है। और ये प्रेशर देह में भी कई बीमारियों को जन्म देता है। हम सभी जो इस सृष्टि की महान आत्माएं हैं, जो इस सृष्टि के सभी धर्मों के पूर्वज हैं, जो विश्व कल्याणकारी हैं, सोचो वो किसी से बदला क्या लेंगे। अगर उनके द्वारा किसी को कष्ट हो भी गया तो उनके कष्ट निवारण की जिम्मेदारी पुनः उनकी ही होगी। इसलिए अपने मन में क्षमा भाव धारण करें। हम महान आत्माएं हैं, हम महावीर हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम्, क्षमा कर देना वीरों का आभूषण है, ये उनकी शक्ति का परिचायक है। तो आज हम ये शुभ कार्य करेंगे। जिसने भी हमारे प्रति कुछ भी किया हो इस जन्म में और पूर्व जन्मों में, उनको सच्चे मन से क्षमा करेंगे। इस जन्म के हमें याद हैं, उन्हें अपने सामने लाओ और संकल्प करो, मैं महान आत्मा तुम सभी को क्षमा दान देती हूँ। तुमने चाहे जो भी किया वशीभूत होकर किया, सच्चे मन से हम तुम्हें क्षमा करते हैं। साथ में दुआएं भी दे दें, तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो, तुम भी पवित्र बनो, तुम भी सुखदायी बनो, तुम भी सबके मित्र बन जाओ। और इसी तरह पूर्व जन्मों में भी जिन आत्माओं ने हमें कष्ट पहुंचाया हो, हम सूक्ष्म रूप से उन्हें इमर्ज करें और उन्हें भी सच्चे दिल से क्षमा दान देकर दुआएं दे दें। तो ये जो सूक्ष्म वाइब्रेशंस की रस्सियों में हम बंधे रहते हैं, ये कट जाएंगी, बहुत हल्कापन स्वयं को महसूस होगा। और उन आत्माओं से क्षमा भी याचना कर ले मन ही मन, जिनको हमने कष्ट दिया है। तो वास्तव में इससे हम बहुत ही हल्के हो जाएंगे। हमें एक अलौकिक खुशी और एक विशेष अनुपम सुख की अनुभूति होगी। आज ये काम हम अवश्य करें, सवेरे कर लें, शाम को कर लें, जब मन करे तब कर लें। आज सारा दिन हम बाप दादा का अपने पास आह्वान करते रहेंगे, कभी शिव बाबा का और कभी बाप दादा का। शिव बाबा का आह्वान करेंगे, उसे अपने सिर के ऊपर छत्र छाया देखेंगे। बाप दादा का आह्वान करेंगे तो देखेंगे वो दिव्य फरिश्ता उड़कर हमारे सामने आ गया है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और कहते हैं, बच्चे तुम चिंता न करो, मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मेरे होते हुए और तुम चिंतित हो रहे हो, फिर मेरा क्या फायदा। इसलिए निश्चिंत,
तो आज बार बार हम बाप दादा का आह्वान करेंगे और उनके ये बोल सुनेंगे और जीवन को बेफिक्र बादशाह बनाएंगे। ओम शांति।